हेलो हेलो जारा, आपसे जी, आप कौन? जी कोई बात करना चाहती। जी हेलो, हेलो, कौन? जैन। क्यों फोन किया है? कौन थी ये लड़की? हेलो जारा, हाँ, शादी कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? आई हैव टू बिलीव इट नो। इवेंचुअली यही होता है जैन। जब मिलने की रस्म पूरी नहीं होती तो बिछड़ने की रस्म पूरी करनी पड़ती है। जब बिछड़ जाते हैं तो किसी और से शादी कर लेते हैं। नाम नहीं पूछोगी उसका? हिना, तुमने खुद ही बताया कैसी है। प्यारी है ना? तस्वीर भेजो मुझे। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा क्यों आएगा? हम जो मोहब्बत के साथ करते हैं, मोहब्बत भी हमारे साथ वही करती है। मैंने शादी कर ली थी तो तुम पर भी वाजिब हो गया था कि तुम भी शादी करो। इट्स सो सिंपल जैन। और हाँ, अगर तुमने मुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया है तो मैं नहीं आ सकूंगी। मोहब्बत में शिकस्तें फास हो जाए तो अपना जनाजा खुद ही अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। कर लो शादी, क्या मतलब? इनवाइट करने के लिए कॉल नहीं की, इजाजत मांगने के लिए की है। जनाजा तैयार है, बोलो तो उठा के कंधे पे रख लो। अभी शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है। मंगनी का मतलब हाथ की उस उंगली में अंगूठी पहन लेना जिसकी रख सीधा दिल तक जाती है। तुम दिल में नहीं रहोगी, अगर रही तो उसका मतलब मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कर रहा हूं। हाँ तो कर लो ना मंगनी, मुझसे क्यों इजाजत मांग रहे हो? जहां बिछड़ने की इतनी रस्में याद कर ली है तुमने, वहां एक मेरी रस्म भी सही। इजाजत दे दोगी तो अगली दफा ये रस्म चलेगी कि जिसने पहले शादी कर ली उससे शादी की इजाजत मांगी जाएगी। उससे इजाजत देनी पड़ेगी जरा। इजाजत है?